दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो ओडीआई सीरीज खेली जा रही है इसका तीसरा और आखिरी मैच खेला जाएगा। ये जो मैच खेला जाना है वो आपका कोलंबो में आर प्रेम प्रसाद स्टेडियम में खेला जाएगा। बाकी के जो दो मैच खेले गए हैं वो आपके हम्बनटोटा में खेले गए हैं। तो इसकी फैंटेसी की आपको सारी की सारी अपडेट लेकर आ चुका हूं, कौन कौन से प्लेयर को टीम में रखना है, ये जो ग्राउंड है कैसा ग्राउंड है, क्योंकि कोलंबो में मैच हो रहा है आर प्रेम प्रसाद स्टेडियम में है, यहाँ की जो पिच है थोड़ी सी डिफरेंट पिच है। तो फैंटेसी से रिलेटेड आपकी सारी की सारी वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ, किस तरीके से हमें टीम बनानी है, ठीक है, और प्लेयर के स्टैट्स क्या है, ग्राउंड की क्या रिपोर्ट है, पिच की क्या रिपोर्ट है, सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कौन से प्लेयर जो रहेंगे आपके ट्रम्प रहेंगे, कौन से प्लेयर हैं जो आपके लिए सेफ रहेंगे, और कौन से प्लेयर हैं जो कि आपके लिए एकदम मस्ट पिक रहेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वीडियो को अगर आप पूरा देख के जाते हो मैं आपसे 100% कहता हूँ कि आप विन करके जाओगे, क्योंकि अगर देखो आप किसी के भरोसे पर टीम बनाते हो कि आपने को किसी ने टीम प्रोवाइड करवा दी आप उससे खेलने लग गए तो भाई आपका डेफिनेटली लॉस होगा। लेकिन अगर आपने किसी की वीडियो को देखा है और फिर उसकी टीम को देखा है तो आप डेफिनेटली विन करके जाओगे, क्योंकि आपने वो एनालिसिस सारा देखा है। और फैंटेसी में पैसा कमाने का एक ही तरीका है कि आप वीडियो को पूरा वॉच करो, आप उस पर पूरे स्टैट्स को देखो, उसके बाद टीम बनाओ। आप हार जाओ तो गारंटी मेरी है, ठीक है। चलो गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तीसरा मैच खेला जाएगा और आखिरी मैच होगा ये ओडीआई सीरीज का, इसके बाद सीधे आपके एशिया कप के मैच शुरू हो जाने हैं, ठीक है। तो आपका तीसरा मैच जो खेला जाना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जो कि आपका श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में खेला जाएगा आर प्रेमदासा स्टेडियम में। शुरू करते हैं टीम न्यूज से। तो देखो गाइस टीम न्यूज में आपकी किसी भी प्लेयर के इंजर्ड होने की कोई अपडेट नहीं है। बाकी पाकिस्तान इस सीरीज को 2-0 से लीड कर रही है, यानी कि दोनों के दोनों मैच पाकिस्तान ने जीते हुए हैं। आज की मेरी प्रेडिक्शन ये कहती है कि आज का मैच जो है वो अफगानिस्तान जीतने वाली है, ठीक है, और इसमें राशिद खान का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर बात करें तो रहमत शाह आज के मैच में आपके वापसी कर सकते हैं। अब चलते हैं दोनों ही टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो देखो दोनों ही टीमें अपनी सेम की सेम प्लेइंग 11 के साथ खेल सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। रही बात आपकी अफगानिस्तान की टीम की, तो ये भी आपकी सेम की सेम प्लेइंग 11 के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली हारे थे, ठीक है। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान की तो फखर जमान, इमाम उल हक की लाजवाब परफॉर्मेंस चल रही है, कंसिस्टेंसली रन बना रहे हैं। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, सलमान अली आगा, उस्मान मीर, इफ्तिकार अहमद, सादाब खान, शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह और आपके हैरिस रॉक, इस तरीके से हो सकती है पाकिस्तान की प्लेइंग 11, कोई चेंजेस ये नहीं करेंगे, ठीक है। आगे है आपकी अफगानिस्तान की टीम, तो रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत अच्छी 150 रनों की पारी खेली थी पिछले वाले मैच में। इसके बाद इब्राहिम जॉर्डन, मोहम्मद नबी, राशिद खान आज के मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिच जो है वो आपकी बॉलिंग फ्रेंडली है और इसके बाद आपकी स्पिन को बहुत ज्यादा हेल्प करती है पिच, ठीक। उसके बाद है हसमतुल्ला शहीदी जो कि कैप्टन है, अब्दुल रहमान, रियाज हसन और आपके इकराम अली खिल, मुजीबुर रहमान, फजलत फारूकी, इस तरीके से हो सकती है आपकी अफगानिस्तान की प्लेइंग 11। अब जानते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो टोटल 6 मैच खेले गए दोनों टीमों के बीच और 6 में से 6 मैच आपके जीते हैं किसने, पाकिस्तान ने। एक भी मैच अभी तक अफगानिस्तान ने नहीं जीत पाया है, लेकिन आज के मैच में हो सकता है कि अफगानिस्तान की टीम आज बड़े मार्जिन से इस मैच को जीत सकती है, ठीक है। अब चलते हैं पिच रिपोर्ट की तरफ। तो पिच रिपोर्ट देखो जो है आपका मैच खेला जा रहा है वो आपका आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में मैच हो रहा है, ठीक है, श्रीलंका की राजधानी है। यहाँ की जो पिच है बैलेंस पिच है, गेंदबाजी में हेल्प करती है और बल्लेबाजी में हेल्प करती है। लेकिन वहीं अगर हम गेंदबाजी में बात करते हैं तो आपके जो स्पिन बोलर होते हैं उनको बहुत हेल्प करती है पिच, ठीक है। यहाँ पर जो पहली इनिंग में एवरेज स्कोर बनता है वो आपका 240-239 के लगभग एवरेज स्कोर बन जाता है। बाकी बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ज्यादातर आपकी मैच जीतती है, तो जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी, ठीक है, डिफेंड करना थोड़ा सा आसान होता है। इसके बाद 140 ओडीआई मैचों में आपके 75 मैच जो खेले गए वो आपके डिफेंड हुए हैं और 55 मैच जो खेले गए वो आपके चेज हुए हैं। तो देखो डिफेंड यहाँ पर परसेंटेज ज्यादा है, डिफेंड करना आसान है। लास्ट 5 साल के ओडीआई मैचों की बात करें तो टोटल 77 विकेट गिरे हैं लास्ट 5 साल के ओडीआई मैचों में। इसमें आपके पेसर्स को टोटल 29 विकेट्स मिले हैं, बाकी बात करें स्पिनर्स की तो 48 विकेट आपके स्पिनर्स को मिले हैं। तो स्पिन को बहुत हेल्प करती है और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज का जो मैच है वो अफगानिस्तान जीत सकती है, क्योंकि इनके पास क्वालिटी स्पिनर है। एक तो राशिद खान है, राशिद खान आपके ऊपर बैटिंग करेंगे, आपको बैटिंग से पॉइंट दिलाएंगे, दूसरी चीज बॉलिंग से पॉइंट दिलाएंगे, 2-3 विकेट राशिद खान को आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि राशिद खान को अगर थोड़ा सा भी हेल्प होता है पिच में तो फिर उनकी फिरकी के जादू बहुत अच्छे चलते हैं।
तो गाइज ये तो हो जाती है पिच रिपोर्ट। अब हम चलते हैं प्लेयर के स्टैट्स की तरफ, जहां से हमें पता लगता है कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर ड्रॉप करना चाहिए, किसे रखना चाहिए, कौन सा ट्रम्प हो सकता है और कौन सा आपको सेफ हो सकता है। तो चलो चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ। सबसे पहला नाम है फखर जमान का। देखो स्क्रीनशॉट लेते जाना इन चीजों के, क्योंकि जब आप टीम बनाते हो 15 मिनट में आप इतनी जल्दी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तुरंत देखोगे कि हाँ भाई किसका कैसा चल रहा है, तो आप तुरंत के तुरंत टीम बना लोगे। सेफ टीम के लिए स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टैट्स, ना कि सेफ टीम के लिए, आपकी ग्रैंड लीग के लिए भी। ठीक है, एक आध दो मैच ऐसे होते हैं भाई आपका लक काम कर जाता है, लेकिन बिना मेहनत के अगर आप सोचो कि एक पैसा कमा लो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, आपको उसके ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करें फखर जमान की। फखर जमान ने ओडीआई के 72 मैच खेले हैं, 3180 रन बनाए हैं, 47 का बैटिंग एवरेज है और आपका 93 का स्ट्राइक रेट है। तो देखो बहुत अच्छी पिक आपके लिए फखर जमान रहेंगे। फखर जमान आज के मैच में अगर आप एक ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो ग्रैंड लीग की टीम में तो आपको बहुत ही अच्छी पिक रहेंगे। ठीक है, बाकी सेफ टीम में तो मस्ट पिक है ही। हेड टू हेड में 4 मैचों में सिर्फ 32 रन है, तो आज के मैच में हो सकता है कि फखर जमान आपके 50 से ऊपर रन बना सकते हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रहा है 11 रन, 8 रन, 0 रन, 2 रन और 30 रन। तो देखो पिछले वाले मैच में थोड़े से टच में दिखे थे। इसके बाद आपके इमाम उल हक हैं। इमाम उल हक की बात करें तो ओडीआई के 61 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 2871 रन स्कोर करे हैं, 52 का बैटिंग एवरेज है, 82 का स्ट्राइक रेट है। देखो बहुत अच्छी पिक रहेंगे, मस्ट पिक हैं आपके इमाम उल हक, क्योंकि लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हेड टू हेड में 4 मैच खेले हैं, 268 रन स्कोर करें, 67 का बैटिंग एवरेज है, 67 रन बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर 12 मैचों में 338 रन है, 33 का इनका एवरेज है और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 60 रन, 24 रन, 90 रन और 91 रन। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी चल रही है इमाम उल हक की, इनको तो आपको टीम में रखना ही है। सेफ टीम के लिए कैप्टन भी बहुत अच्छी पिक है। ठीक है, आगे बाबर आजम। बाबर आजम आज के मैच में अच्छा कर सकते हैं। बाबर आजम ने ओडीआई की 102 मैचेस खेले हैं, 5142 रन स्कोर करे हैं, 58 का इनका बैटिंग एवरेज है, 89 का इनका स्ट्राइक रेट है। ठीक है, और अगर बात करें हेड टू हेड में तो 4 मैच खेले हैं, 164 रन स्कोर करें, 41 का बैटिंग एवरेज इनका हेड टू हेड में। तो देखो दोनों जगह रिकॉर्ड अच्छे हैं। इसके बाद रिसेंट फॉर्म 11 रन, 9 रन, 6 रन और 0 रन और 53 रन, पिछले मैच में इनकी 50 आई थी। तो ये टच में आ गए हैं आपके बाबर आजम। बाबर आजम भी आपके लिए वाइस कैप्टन हो सकते हैं, अच्छी पिक हो सकते हैं आपके लिए सेफ टीम के अंदर। ठीक है, इसके बाद मोहम्मद रिजवान है। मोहम्मद रिजवान ने ओडीआई के 59 मैचेस खेले हैं, 1431 रन स्कोर करे हैं और 88 का इनका स्ट्राइक रेट है, 33 का इनका बैटिंग एवरेज है। तो मोहम्मद रिजवान आपके लिए एकदम सेफ पिक रहेंगे, आप इनको टीम में रख सकते हो। हेड टू हेड में 2 मैच खेले हैं, 23 रन स्कोर करे हैं, 11 का इनका बैटिंग एवरेज है। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर भी 2 मैचों में 35 रन है और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 21 रन, 4 रन, 39 रन, 21 रन और 2 रन, इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस चल रही है मोहम्मद रिजवान की। आगे सलमान अली आगा है। सलमान अली आगा को अगर आप टीम में रखते हो तो फिर आप अपनी ग्रैंड लीग की टीम में रखना, वरना सेफ टीम में यूज मत करना, क्योंकि उतनी अच्छी पिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपके 13 मैचेस खेले हैं, 358 रन स्कोर करे हैं, बाकी 3 विकेट लिए हैं, ना तो उतनी ज्यादा बैटिंग में हेल्प है इनको और ना ही उतनी ज्यादा बॉलिंग में है। हाँ भाई, अगर आप बना रहे हो ग्रैंड लीग की टीम तो ग्रैंड लीग में आप इनको यूज कर सकते हो, पिक हो सकते हैं अच्छी। ठीक है, इसके बाद रिसेंट फॉर्म इनका जो चल रहा है 31 रन, 58 रन, 57 रन, 7 रन और 14 रन। देखो पिछले 2-3 मैच जो खेले हैं इन्होंने अच्छे इन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन वो पुराने मैचेस थे, वीक टीम के साथ थे। ठीक है, लेकिन पिछले जो 2 मैच खेले गए इन 2 मैचों में इनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई है वहां। इसके बाद है आपके उस्मान मीर। उस्मान मीर आपके 2 मैचों में 2 रन स्कोर करे हैं, सिर्फ 1 विकेट इनका है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक पिक होंगे अगर आप इन्हें ग्रैंड लीग में रखते हो तो। इफ्तिकार अहमद आज मेरे हिसाब से आपके लिए डिफरेंट पिक हो सकते हैं अगर आप ग्रैंड लीग में इन्हें यूज करते हो तो। ठीक है, 14 ओडीआई मैच खेले हैं इन्होंने, 293 रन स्कोर करे हैं, 36 का बैटिंग एवरेज है, प्लस 8 विकेट भी है इनके नाम। इसके बाद हेड टू हेड में 2 मैच खेले हैं, 47 रन स्कोर करे हैं, 23 का बैटिंग एवरेज है, रिसेंट फॉर्म 18 रन, 0 रन, 5 रन, 30 रन और 17 रन। देखो ये मतलब फॉर्म में आज आ रहे हैं लेकिन उतनी ज्यादा बैटिंग नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज मुझे लगता है कि ये आपके लिए ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं। शादाब खान तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको तो आपको टीम में रखना ही रखना है। ओडीआई के 58 मैच खेले हैं, 718 रन स्कोर करे हैं, 74 विकेट हैं इनके नाम और 29 का बैटिंग एवरेज है। इसके बाद बात करते हैं आपकी रिसेंट फॉर्म की इनकी, तो शादाब खान का जो रिसेंट फॉर्म चल रहा है 39 रन प्लस 1 विकेट, 48 रन प्लस 0 विकेट। देखो रन हर एक मैच में बना रहे हैं। ठीक है, हेड टू हेड में भी 3 मैचों में 98 रन है आपके, 2 विकेट हैं।
इसके बाद शाहिन शाह अफरीदी ने 38 मैचेस खेले हैं, आपके 74 विकेट हैं। शाहिन शाह अफरीदी तेज गेंदबाजी में भाई आग उगलता हुआ गेंदबाज, शाहिन शाह अफरीदी को टीम में रखना है। रिसेंट फॉर्म जो चल रहा है, 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट और 2 विकेट, तो अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी आपके शाहिन शाह अफरीदी की। 2 मैचों में 2-2 विकेट लिए हैं, ठीक है, तो ये तो मस्ट पिक रहेंगे। इसके बाद नसीम शाह आपके राइट आर्म से फास्ट बॉलिंग करवाते हैं, आग उगलती हुई गेंदबाजी नसीम शाह की रहती है। 10 मैचों में 25 विकेट है। और इसके बाद बात करें तो हेड टू हेड 2 मैचों में आपके 28 रन है और आपके 2 विकेट भी हैं। इसके बाद रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं तो 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट। देखो हर एक मैच में मैंने 3 वीडियो बनाई है आपके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के ऊपर। हर एक वीडियो में मैंने बोला है कि आपके मैंने जितने भी स्टैट्स निकाले हैं सादाब खान ये आपके नसीम शाह की मैंने एक भी पारी अभी 10-15 मैचों में ऐसी नहीं देखी जिसमें ये विकेट लेस गए हो। तो अगर आप बिल्कुल सेफ बॉलर ढूंढ रहे हो तो नसीम शाह से बढ़िया बॉलर तो हो ही नहीं सकता। हैरिस रॉप आज के मैच में आपको फिर से ट्रंप हो सकते हैं, फिर से 3-4 विकेट ले सकते हैं। राइट आर्म से फास्ट बॉलिंग करवाते हैं, ओडीआई में 24 मैचों में आपके 44 विकेट है, यानी कि डबल विकेट है। हेड टू हेड में 2 मैचों में 5 विकेट है। ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं तो आपके कोई मैच नहीं खेला है। रिसेंट फॉर्म 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 5 विकेट और 0 विकेट। देखो 5 विकेट लिए थे इन्होंने पहले वाले ओडीआई मैच में, लेकिन जो दूसरा वाला हुआ था उसमें इनका 1 विकेट नहीं है। अब आ जाते हैं गाइस आपके अफगानिस्तान के प्लेयर्स के स्टैट्स की तरफ। तो सबसे पहला जो नाम है वो है रहमतुल्लाह गुरबाज का। गुरबाज आपके राइट हैंड से बैटिंग करते हैं, विकेट कीपिंग बैटिंग करते हैं, और बात करते हैं 23 मैचों में 948 रन स्कोर करे हैं, 43 का बैटिंग एवरेज है आपका ओडीआई क्रिकेट के अंदर। हेड टू हेड में 2 मैच खेले 169 रन स्कोर करे हैं, 84 का इनका बैटिंग एवरेज है। तो देखो 2 मैचों में बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस है आपकी रहमतुल्लाह गुरबाज की। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 रन 19 रन 18 रन और 151 रन। तो पिछले वाले मैच में 150 रन मार के आ रहे हैं, बहुत अच्छी इनकी बल्लेबाजी रही है। और आज के मैच में अगर आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन करते हो तो फिर आपके लिए ट्रंप प्लेयर हो सकते हैं आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है, बाकी मस्ट पिक रहेंगे आपके लिए सेफ टीम में। इसके बाद इब्राहिम जाडरन आपके ओडीआई में 16 मैचों में 829 रन स्कोर करें, 59 का बैटिंग एवरेज है, और हेड टू हेड में 2 मैचों में 80 रन स्कोर करें, 40 का बैटिंग एवरेज है। तो आपके लिए इब्राहिम जाडरन भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिसेंट फॉर्म 100 रन 1 रन 8 रन 22 रन 0 रन और फिर आपके 80 रन। तो इब्राहिम जाडरन 5 पारियों में 2 पारियां ताबड़तोड़ है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी पिक रहेंगे। आगे नाम है मोहम्मद नबी का। देखो मोहम्मद नबी आपको आज के मैच में अफगानिस्तान की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगे, मोहम्मद नबी और राशिद खान, क्योंकि आपकी स्पिन गेंदबाजी में मोहम्मद नबी, राशिद खान और मुजीबुर रहमान बहुत ही ताबड़तोड़ गेंदबाजी करवाएंगे, क्योंकि आपकी पिच को मदद करती है स्पिन गेंदबाजों को, ठीक है। हेड टू हेड में 6 मैच खेले हैं, 111 रन स्कोर करे हैं, 6 विकेट है, 18 का बैटिंग एवरेज है। हालांकि आपके रन उतने ज्यादा नहीं बना रहे हैं, विकेट हर एक मैच में लेते हैं। रिसेंट फॉर्म जो चल रहा है 4 रन प्लस 1 विकेट 7 रन प्लस 2 विकेट 19 रन प्लस 2 विकेट, हर एक मैच में 2-3 विकेट इनको मिल जाते हैं। राशिद खान तो आज आपके लिए ट्रंप प्लेयर होंगे ही होंगे, ये तो पक्का है। राशिद खान ने ओडीआई के 91 मैच खेले हैं, 169 विकेट लिए हैं 91 मैचों में, और हेड टू हेड में 4 मैचों में 10 रन है प्लस 6 विकेट हैं, ठीक है। अब रिसेंट फॉर्म जो इनका चल रहा है 0 रन प्लस 2 विकेट फिर 2 रन प्लस 0 विकेट, थोड़ा सा उल्टा हो गया। आगे नाम है शहीदुल्लाह कमल आपकी ओडीआई के 2 मैचों में 2 रन है प्लस 0 विकेट है, और हेड टू हेड में एक मैच में 1 रन है और 0 विकेट है, तो इनको तो खिलाना ही बेकार है। हाँ ग्रैंड लीग वगैरह में अगर रखते हो तो ठीक रहेंगे, वरना आप इनको ड्रॉप कर सकते हो। हसमतुल्ला शहीदी जो कैप्टन है, हालांकि अब थोड़ी सी बहुत ज्यादा नीचे बैटिंग कर रहे हैं, ओडीआई के 61 मैच खेले हैं, 1652 रन स्कोर कर रहे हैं, 31 का इनका बैटिंग एवरेज है और 66 का इनका स्ट्राइक रेट है। हेड टू हेड में 4 मैच खेले 112 रन स्कोर कर रहे हैं, 56 का इनका बैटिंग एवरेज है, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म जो चल रहा है, रिसेंट फॉर्म खराब चल रहा है, 9 रन 2 रन 22 रन 0 रन और 15 रन, बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, तो इनको अगर आप टीम में रखते हो तो फिर आप ग्रैंड लीग में यूज करना सेफ टीम के लिए ठीक नहीं है। अब्दुल रहमान ने ओडीआई के 3 मैच खेले हैं, सिर्फ 1 विकेट मिला है, और हेड टू हेड में 2 मैचों में 1 विकेट है, तो वही पाकिस्तान के खिलाफ है इनका 1 विकेट, और वो भी आपका दूसरे वाले ओडीआई में आया था, ठीक है। अब रियाज हसन ने 1 मैच खेला है, और ना तो इनको बैटिंग मिली थी ना बॉलिंग मिली थी। ओडीआई में बात करते हैं तो 4 मैचों में 86 रन है, 27 का बैटिंग एवरेज है, ठीक है। रिसेंट फॉर्म जो चल रहा है इनका 82 रन प्लस 0 विकेट, 78 रन प्लस डिड नॉट बॉल और फिर आपका डिड नॉट बैट डिड नॉट बॉल आपके दूसरे वाले ओडीआई में।
तो आपको रियाज हसन जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके किस के अंदर, जो आप बनाते हो ग्रैंड लीग की टीम, ठीक है। आगे है इकराम अली खिल को अगर आप रखते हो टीम में तो फिर आपके लिए ग्रैंड लीग में ठीक रहेंगे, क्योंकि पिछला वाला जो पहला ओडीआई हुआ था उसमें इन्होंने बहुत ऊपर बैटिंग की थी, लेकिन जो दूसरा और तीसरा ओडीआई होने वाला है बहुत नीचे बैटिंग करेंगे, कि दूसरे वाले ओडीआई में तो इन्होंने बहुत नीचे बैटिंग की थी, ठीक है। 34 रन 1 रन 4 रन और डिड नॉट बैट, तो इस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस है। अब है आपके मुजीबुर रहमान, ये तो आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे, लीडिंग विकेट टेकर हो सकते हैं आपके अफगानिस्तान की तरफ से। 63 मैचों में 90 विकेट हैं आपके अफगानिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट में, और 4 मैचों में 8 विकेट हैं आपके हेड टू हेड में। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो एक विकेट, डिड नॉट बॉल 3 विकेट और 1 विकेट, विकेट लेस जाते नहीं है अगर ये बॉलिंग करवाते हैं तो, और वैसे भी स्पिन को मदद है तो फिर आपको उनको टीम में रखना ही है। फजल अक फारूकी ने ओडीआई के 18 मैच के लिए 31 विकेट है, इनकी भी लाजवाब परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में 2 मैच में 4 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट और आपके 3 विकेट। पिछले वाले मैच में ये लीडिंग विकेट टेकर रहे थे आपके अफगानिस्तान की तरफ से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये तो हो जाते हैं गाइस आपके प्लेयर के स्टैट्स। अब हम चलते हैं आपके ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की तरफ, कि किस तरीके से किस प्लेयर को रखना है, कौन सा ट्रम्प होगा, कौन सा सेफ होगा और कौन सा मस्ट पिक होगा। सबसे पहला नाम है आपका विकेट कीपर सेक्शन में, तो वो मोहम्मद रिजवान सेफ रहेंगे, कॉमन रहेंगे। हालांकि रहमानुल्लाह गुरबाज आज फिर से ट्रम्प हो सकते हैं आपको पहली इनिंग में बैटिंग करते हैं अगर, तो ठीक है। बैटर सेक्शन में इमामुल हक, बाबर आजम, इब्राहिम जाडरन आपके लिए रहेंगे सेफ और कॉमन पिक, हर एक की टीम में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी फखर जमान आपको ट्रम्प हो सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और इफ्तिकार अहमद भी आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से। आगे हसमतुल्ला शहीदी की बात करते हो, ये अफगानिस्तान की तरफ से आपको ट्रम्प हो सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में मोहम्मद नबी और सदाफ खान आपके लिए दोनों सेफ और कॉमन पिक रहेंगे, हर एक की टीम में देखने को मिलेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत सारे लोग करेंगे, क्योंकि इनकी रिसेंट फॉर्म भी अच्छा चल रहा है और इनका वैसे भी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। बाकी सलमान अली आगा आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, और शहीदुल्ला कमल आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं अफगानिस्तान की तरफ से ऑलराउंडर सेक्शन में, ठीक है। बॉलर सेक्शन की बात करते हैं तो राशिद खान, फजल अक फारूकी और शाहिन शाह अफरीदी आपके लिए कॉमन पिक रहेंगे, सेफ पिक रहेंगे, मस्ट पिक रहेंगे। इसके बाद हैरिस रॉफ आपके लिए आज फिर से ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, फिर से इनको 3 से 4 विकेट मिल सकते हैं। इसके बाद उस्मान मीर भी आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं। बाकी मुजीबुर रहमान आपको अफगानिस्तान की तरफ से ट्रम्प प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन में इमामुल हक, बाबर आजम, मोहम्मद नबी, सादाफ खान आपको रहेंगे, हर एक की टीम में देखने को मिलेंगे, सेफ रहेंगे, कॉमन रहेंगे। बाकी फखर जमान आज आपके लिए ट्रम्प हो सकते हैं पाकिस्तान की तरफ से, इफ्तिकार अहमद भी ट्रम्प हो सकते हैं, और अगर बात करते हैं आपके अफगानिस्तान की तरफ से तो रहमानुल्लाह गुरबाज और राशिद खान दो ऐसे प्लेयर हैं जो फिर से ट्रम्प हो सकते हैं। राशिद खान आपके दोनों इनिंग में ट्रम्प रहेंगे, और बाकी अगर गुरबाज पहली इनिंग में बैटिंग करती है अफगानिस्तान की टीम तो फिर गुरबाज आपके लिए फिर से रन बना के दे सकते हैं, ठीक है। हसमतुल्ला शहीदी को भी बहुत सारे लोग आज ट्राई करेंगे। तो गाइज ये थे हमारे प्रेडिक्शंस, अब हम चलते हैं ड्रीम 11 टीम की तरफ, की टीम आपको किस तरीके से बनानी है। तो देखो फिलहाल के लिए जो मैंने टीम बनाई है वो आपको साइड में दिख रही होगी, ये मेरी टीम है, ये मेरी फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम के लिए आपको टॉस का वेट करना होगा, टॉस जो होगा आपको उसके बाद लाइनअप्स अनाउंस होंगे, लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद मैं आपको टीम प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन कीजिए, और हमारी जो टीम है उस टीम से जो खेलते हैं उस टीम को भी आप यूज कीजिए। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।